Is it that it's only a little baby? I mean, this golden age right now. नहीं, अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण नहीं, बृहन नारदीय पुराण में अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि कलयुग के शुरुआत से जो प्रथम 10,000 साल है वो सोने का युग है। प्रथम 10,000 साल या 5,000 साल बीतने के बाद का 10,000 साल ऐसा नहीं बताया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा बताया कि 5,000 साल बीतने के बाद जो 10,000, हाँ, लेकिन बृहन नारदीय पुराण में बताया कलयुग की शुरुआत से। तो ये दोनों पुराणों में ऐसा थोड़ा, कलयुग की शुरुआत से पहले के नहीं, कलयुग की शुरुआत हो गई 3,228 प्लस 2012 मीन्स 5,240 साल पहले। 5,240 साल पहले तो ऐसा भी तो हो सकता है कलयुग की शुरुआत हुई भगवान श्री कृष्ण जी के बाद। हाँ, कृष्ण 3,228 बीसी में भगवान अपने धाम में चले गए। ठीक, 3,102 बीसी में भगवान अपने धाम में चले गए। 3,228 बीसी में तो वो प्रकट हुए थे। वो उल्टा चलता है ना, पहले जो बीसी था वो उल्टा चलता था, अभी आगे चलता है। तो 3,102 प्लस 2013 कर लीजिए तो इसका अलग हो गया। 3,102 प्लस 2013 कितना होता है, 5,115 ना, 5,115 साल पहले कलयुग चालू हुआ। तो इसका जैसे आप बता रहे थे कि दोनों पुराणों में अंतर आता है, तो ये भी तो हो सकता है कि उनमें से जो एक कोई भी एक कलयुग, हाँ, वो किसी और कलयुग की बात कर रहे हो। हाँ, वो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। पर जो पीक है, जो गोल्डन एज का, वो पीक तो गौरांग महाप्रभु के टाइम ही था। जब भगवान स्वयं आते हैं तभी तो पीक होता है, उससे ज्यादा तो प्रेम कौन मतलब संसार को कभी मिल सकता है। मतलब ऐसा लिखा है सामवेद में कि मैं कलयुग के 4,500 साल बीतने के बाद आऊंगा, तो गौरांग महाप्रभु कलयुग के 4,500 साल बीतने के बाद आए। तो अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से वहां उस टाइम से सोने का युग चालू हुआ तो मतलब होगा, और बृहन नारदीय पुराण के हिसाब से अगर कलयुग की शुरू से सोने का युग चालू हुआ तो वो पीक आ गया गौरांग महाप्रभु के टाइम 5,000 साल तक। तो दोनों हिसाब से लेंगे तो पीक तो वही था। सॉरी, ये आपका